तो मैं चैलेंज करता हूं कि अख्तर उल ईमान इलेक्शन जीतेगा, लेकिन डॉक्टर जावेद साहब इलेक्शन जीत नहीं पाएगा। टिकट अगर मास्टर मुजाहिद साहब को मिलता है तो चैलेंज है मेरा, मास्टर मुजाहिद साहब एमपी का सीट निकाल लेगा। लेकिन अगर कांग्रेस का टिकट फिर डॉक्टर जावेद साहब को ही मिलता है तो देख लीजिएगा, बहुत बुरी तरह की हार होगा यहां पे। प्रताप गिरी साहब जो आ रहे हैं तो ये मुशायरा करने नहीं आ रहे हैं, ये अपने कैंडिडेट को, जो इनका कैंडिडेट है, जो हमारे एमपी साहब हैं, जिनका किशनगंज जिला में बुरा हाल है, क्योंकि इस बार कांग्रेस को यहां वोट होने वाला नहीं है दोस्तों, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रवक्ता लोग चाहते हैं कि कोचाधामन में इमरान प्रताप गिरी साहब को बुला करके यहां के लोगों का दिल में राज करेंगे या कांग्रेस को फिर वो लोग वोट देगा। तो दोस्तों ऐसा होने वाला नहीं है, मुशायरा करने आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम, लोग मुशायरा दिल जान से सुनेंगे भी, लेकिन राजनीति वाले बात जो होगा दोस्तों वो जनता यहाँ की इग्नोर करके चलेगा, क्योंकि जो यहाँ का कैंडिडेट है, प्रेजेंट कैंडिडेट डॉक्टर जावेद साहब, उन्होंने लोगों से मिलने का काम नहीं किया है। और एक बात मेरा ध्यान से सुन ले कि अगर कैंडिडेट चेंज नहीं हुआ किशनगंज जिला में तो यह भी मेरा आप लोग नोट कर लें, जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से हैं, मैं चैलेंज करता हूं इस बात को, अगर ये लोग कांग्रेस का कैंडिडेट चेंज नहीं किया तो इलेक्शन अख्तर उल ईमान जीत जाएगा, क्योंकि सर जमीन पे जो चल रहा है, और हम लोग खास करके देहाती भाषा में और देहात में उसी लोग को हम लोग लाइक करते हैं जिनको हम जानते हैं। अब ये लोग जादूगर लोग जादूगिरी करने जो अल्ता में आ रहे हैं कि यहाँ के लोगों को गुमराह कर देंगे हम, कि यहाँ इमरान, हम लोगों ने ये सुना भैया, आज से जो 5-7 दिन पहले जो प्रोग्राम का जो सारा मिशन किया गया तो हम लोग ये जाने कि इमरान प्रताप गिरी साहब अल्ता कमलपुर के सरजमीन में आ रहे हैं और यहाँ पे मुशायरा करेंगे। और कल जो KDB न्यूज में जो सुन रहा हूं मैं, तो यहाँ भाई जो कैंडिडेट जो कमजोर करके रखा है पार्टी को कोचाधामन में किशनगंज जिला में, उसको मजबूत करने के लिए इमरान प्रताप गिरी साहब आ रहे हैं यहाँ पे। तो इमरान प्रताप गिरी साहब आप यहाँ पे आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम, लेकिन जनता मुशायरा सुनने के बाद ये मत सोचिएगा कि आपका मुशायरा सुन करके कांग्रेस को वोट दे दे, ऐसा नहीं होगा। अगर कांग्रेस ने कैंडिडेट चेंज नहीं किया तो मैं चैलेंज करता हूं कि अख्तर उल ईमान इलेक्शन जीत जाएगा। किशनगंज जिला में अगर कांग्रेस का कैंडिडेट चेंज नहीं होता है तो शायद मेरे ख्याल से कांग्रेस वालों को यह लगता है कि भाई यहां की भोली भाली जनता वोट कर देगा, ऐसा किसी हाल में नहीं होगा। सबसे पहले यहां का कैंडिडेट चेंज होना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारे देहात के लोगों को मेन ये चाहिए कि हर सुख दुख में जो भी कैंडिडेट हो वो हमारे सुख दुख में शामिल हो, और ऐसा डॉक्टर जावेद साहब करके नहीं रखा है। डॉक्टर जावेद साहब भी इसी घमंड में है कि कांग्रेस का टिकट है और यहां की भोली भाली जनता कांग्रेस को वोट देगी। अगर कांग्रेस का टिकट अगर डॉक्टर जावेद साहब को फिर यहां से मिलता है तो मैं चैलेंज करता हूं कि अख्तर उल ईमान इलेक्शन जीतेगा, लेकिन डॉक्टर जावेद साहब इलेक्शन जीत नहीं पाएगा। ये मेरा आप लोग नोट कर लीजिए, इस बात को नोट कर लीजिए, अगर टिकट अगर मास्टर मुजाहिद साहब को मिलता है तो चैलेंज है मेरा, मास्टर मुजाहिद साहब एमपी का सीट निकाल लेगा। लेकिन अगर कांग्रेस का टिकट फिर डॉक्टर जावेद साहब को ही मिलता है तो देख लीजिएगा, बहुत बुरी तरह की हार होगा यहां पे। और इन लोगों को, कांग्रेसियों को पता लग चुका है
इसलिए कांग्रेस वाले आप जगह जगह जाल फेंक रहे हैं कि अगर ऐसा हम लोग अगर जगह जगह अब ये चीजें करें, जादूगिरी करेंगे तो हो सकता है फिर भोली भाली जनता कांग्रेस को सपोर्ट करे। लेकिन इस बार अगर कैंडिडेट चेंज नहीं होता है किशनगंज जिला में तो मैं चैलेंज करता हूं, या तो कैंडिडेट चेंज कर दे तो कांग्रेस इलेक्शन जीत सकता है। अगर कैंडिडेट चेंज नहीं होता है तो किसी हाल में यहां से कांग्रेस इलेक्शन जीत नहीं पाएगा। फिर इलेक्शन जीतेगा कौन? वो अख्तरुल ईमान। ये मेरा आप लोग नोट कर लीजिए, जबकि अख्तरुल ईमान से मैं बात नहीं करता हूं, ना मैं MIM में हूं, लेकिन मेरा अनुमान कभी गलत नहीं हुआ ना गलत होगा। मैं कोई MIM में नहीं हूं, मैं जदयू में हूं, और मैं जदयू में भी नहीं हूं, मैं मास्टर मुजाहिद के साथ हूं। लेकिन यहां का जो समीकरण है ये आप लोग मेरा नोट कर लीजिए, अगर किशनगंज जिला से अगर कांग्रेस का कैंडिडेट चेंज नहीं होता है तो कांग्रेस बुरी तरह की हारेगी यहां से, और फिर जीत होगा अख्तरुल ईमान का। अगर कांग्रेस यहां से कैंडिडेट चेंज करता है तो इलेक्शन कांग्रेस जीत जाएगा। ये लोग सोचता है कि कैंडिडेट तो कुछ काम किया नहीं है किशनगंज जिला में, एक काम करते हैं हम लोग इमरान प्रतापगिरी साहब को बुलाते हैं और यहां की भोली वाली जनता को मुशायरा सुना करके, और मुशायरा का सुना के उसके मुशायरा सुन करके वो लोग फिर कांग्रेस को वोट करेगा। क्योंकि आज से 5 दिन पहले हमने ये सुना कि यहां मुशायरा होगा, यहां कोई नेतागिरी वाले बात नहीं था। अब रात को मैंने KDB लाइव में ये सुना है कि मुशायरा नहीं, कोचा धामन में जो कांग्रेस का बुरा हाल है उस हाल को सुधारने के लिए, उस हाल को सुधारने के लिए इमरान प्रतापगिरी साहब को बुलाया जा रहा है अल्ता के फील्ड में। तो क्या जनता यहां का बेवकूफ है क्या? सुख दुख में जो नेता साथ रहेगा उसी नेता के साथ जनता है, ये बात ध्यान कर लीजिए आप लोग। आप लोग जो जगह जगह अगर सोचते हैं कि प्रोग्राम कर लेंगे हम लोग और जनता भोली भाली जनता मान जाएगी, ये मुशायरा सुन के, ये मुशायरा सुन के जनता, मैं चैलेंज करता हूं इस मुशायरा के बाद सबसे ज्यादा फायदा होगा तो अख्तरुल ईमान को होगा। ये आप देख लीजिएगा, आप मेरा नोट कर लीजिए। ये कांग्रेस वाले जो सोचते हैं कि एकदम हम लोग आएंगे और यहां मुशायरा बढ़िया बढ़िया सुना करके, गुणगान करके लोगों का दिल जीत करके फिर कांग्रेस को वोट, कांग्रेस को किसी हाल में वोट इस बार नहीं होगा। अगर कैंडिडेट चेंज करता है तो कांग्रेस का जीत है, और डॉक्टर जावेद साहब अगर कैंडिडेट रहा अगर तो मैं चैलेंज करता हूं, अगर डॉक्टर जावेद साहब इलेक्शन जीत जाएगा ना तो अपनी गर्दन कटा दूंगा मैं। इस बार इलेक्शन जीत नहीं पाएगा क्योंकि लोगों के सुख दुख में जो नेता शामिल होगा उसी नेता को यहां देखा जाएगा। हम लोग गांव देहात में रहते हैं और गांव देहात के लोग जिसके सुख दुख में शामिल होगा। नहीं भगीना मुसव्विर भगीना, मैं गलत बात नहीं कर रहा हूं, मैं अख्तरुल ईमान साहब को सुनिए, मैं उससे बातचीत भी नहीं करता हूं, लेकिन मेरा समीकरण जो है आप लोग नोट कर लीजिए, ये मुशायरा करने के बाद अख्तरुल ईमान को ज्यादा फायदा होगा। ये लोग जो यहां गेम करने के लिए आ रहा है कि ये लोग को पता लग चुका है भगीना मुसव्विर भगीना, ये लोग को पता लग चुका है कि डॉक्टर जावेद साहब का यहां पकड़ बहुत जीरो है, जीरो। किशनगंज में डॉक्टर जावेद साहब का पकड़ जीरो है। तो ये लोग क्या सोचा है कि ये काम करते हैं वहां से कुछ मुशायरा भी करवा देंगे, डुबली भी, तबला डुबली बजा देंगे, फिर यहां के जनता को गुमराह करके फिर कांग्रेस का टिकट है भाई, पावरफुल टिकट है भाई, और कैंडिडेट जीती जाएगा मेरा। ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होगा। यहाँ की जनता जाग चुकी है, एक बार देख लिया, जो जनता के हर सुख दुख में शामिल है 18 घंटा 20 घंटा जनता उसी को लाइक करेगा। ये बात दिमाग में डाल लीजिए आप लोग जो अल्ता फील्ड में आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम इमरान प्रतापगिरी साहब, मोस्ट वेलकम, आप आइए मुशायरा सुनाइए। लेकिन जब जहां आप राजनीति वाला बात कीजिएगा,
क्योंकि जितना भी मुसलमानों के लिए बीज बोया है वो सिर्फ कांग्रेस जिम्मेवार है। रात को मैंने केडीबी लाइव में यह सुना कि भाई अब जामिया अलीगढ़ का जो ब्रांच है हमारे किशनगंज में, इनके लिए भी कुछ मुद्दा की बात करेंगे। क्यों, पहले सो रहे थे कांग्रेस वालों, पहले सो रहे थे, आज तक आपसे कुछ उखड़ा नहीं और आज आप लोग उखाड़ देंगे कुछ? क्या लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आप लोग आ रहे हैं? कुछ नहीं है, आप लोग मुशायरा करने नहीं आ रहे हैं, यहां पे लोगों को भेजिएगा। सीमांचल की जनता जाग चुकी है, इस बार कांग्रेस के बहकावे में लोग आने वाला नहीं है। कांग्रेस पे तभी लोग सब वोट करेगा जब तक महागठबंधन से यहां कैंडिडेट चेंज नहीं होगा, तो वोट नहीं होगा। ये बात दिमाग में डाल लीजिए आप लोग। यहां पे कितने मर्डर हुए हैं, कौन सा मर्डर में जाओगे? डॉक्टर जावेद साहब बोला है, खुल करके बोली तो किसी भी इसमें बोला है, किसी मर्डर में भी? हाँ, किशनगंज में लाठियों से मार करके आदमी को जान से मार दिया, क्या कुछ बोला है क्या डॉक्टर जावेद साहब? लेकिन आप लोग फिर धोखा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने के लिए यहां पे आप लोग एक प्रोग्राम लेके आए हैं। परसों तक इस प्रोग्राम का मैं समर्थन में था। समर्थन में क्या था मैं, कि यह प्रोग्राम एक मुशायरा है। हमने लोगों से बातचीत किया, कई लोगों से बोला आजाद भाई यहां पे कोई नेतागिरी वाला बात नहीं होगा। मैंने फिर भी कहा कि भाई कैसे नहीं होगा भाई, इमरान प्रतापगिरी सब कांग्रेस में है और बात कैसे नहीं होगा। लेकिन देख रहा हूं एंड में रात को केडीबी लाइव में यही बात आ गया है कि यहां पे पहले गुणगान होगा मुशायरा का, अब मुशायरा का जादूगिरी छिट करके फिर लोगों को गुमराह किया जाएगा, फिर बोलेगा कांग्रेस को वोट करो, कांग्रेस को वोट करो। कांग्रेस चेहरा दिखाने आए ना आए, किसी का नाम जाने ना जाने, कैंडिडेट मैं चैलेंज करता हूं डॉक्टर जावेद साहब, 100 आदमी का भी नाम नहीं जानता होगा, 100 आदमी का भी नाम नहीं जानता होगा कि किस आदमी का क्या नाम है, और ऐसे लोगों को मैं वोट दूंगा मैं? अरे नोटा में वोट दे दूंगा तो भी किसी को वोट नहीं दूंगा, ये सोच लीजिए पहले। क्या फायदा हम लोग, कोई चोर बदमाश थोड़ी है या गुंडा थोड़ी है हम लोग, अपना मेहनत करके खाते हैं हम लोग, समझ गए? लेकिन सही आदमी को सपोर्ट करेंगे हम लोग, कोई गुंडा नहीं है, कोई चोर बदमाश नहीं है। लेकिन एक बात मैं फिर बोल रहा हूं, कांग्रेसियों खुल के सुन लो, अगर आप लोगों ने कैंडिडेट चेंज नहीं किया तो इस मुशायरा से सबसे ज्यादा फायदा अख्तरुल ईमान को होगा। आप लोग देख, ये बात नोट कर लीजिए मेरा, अगर कैंडिडेट चेंज नहीं होता है कांग्रेस का तो अख्तरुल ईमान इलेक्शन जीत जाएगा, ये लिख लीजिए मेरा, नोट कर लीजिए मेरा चैलेंज इस बात का। इलेक्शन के बाद मुझे मिलिएगा कि क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि समीकरण ने बता दिया आपको हर हाल में कैंडिडेट चेंज होना है। अगर कैंडिडेट चेंज नहीं होता है, अगर क्योंकि यहां पे उसी लोग को लाइक हम लोग करते हैं जिसे हम जानते हैं, जिन्हें पहचानते हैं, यहां लोग मुशायरा करा सकता है, 15 लाख खर्च कर सकता है, कितने गरीब का साथ दिया भाई, कितने गरीब का भला किया है भाई, हमको नाम बताए कोई कांग्रेस का कोई भी नेता कि हमारे कोचा थमले कितने लोग का भला किया, कितने गरीब के बेटियों का शादी करा दिया है। आप लोग आ रहे हैं 9 लाख का डीजे किए हैं, 40 लाख का टेंट किए हैं, और यहां मुशायरा करके जादूगिरी करके यहां के जनता को, आप लोग बोली वाली जनता को बहकाने के लिए आए हैं। लेकिन जनता तभी बहकेगा जब कैंडिडेट चेंज होगा, कैंडिडेट चेंज नहीं होगा तो मेरा चैलेंज है कांग्रेस बुरी तरह के हारेगा यहां पे। यह मत सोचे कि कर्नाटक जीत गया तो मैं यहां जीत जाऊंगा, सीमांचल की जनता उसे ही लाइक करता है जो 18 घंटा लोगों के दिलों में राज करता है, और जो लोगों के दिलों में राज नहीं करता है तो उसे खदेड़ के यहां से भगाता है सीमांचल की जनता। आप क्योंकि कांग्रेस वालों को पता लग चुका है इलेक्शन का जो गढ़ है वो है कोचा धामन, तो बड़ा बेहतर क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि अल्ता में प्रोग्राम रख लेते हैं और अल्ता के जनता को गुमराह कर देंगे। लेकिन अल्ता की जनता मानने वाली कोई भी नहीं है। अगर मास्टर मुजाहिद सर को टिकट नहीं मिला तो अख्तरुल ईमान इलेक्शन जीतेगा, लेकिन कांग्रेस बुरी तरीके हारेगा। जबकि अख्तरुल ईमान जी से मेरा बातचीत नहीं है, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं, ये बात कोई माने ना माने, कोई बुरा माने, वो टेंशन नहीं है, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं,
अगर कांग्रेस कैंडिडेट चेंज किसान से नहीं कर रहा है तो इलेक्शन बहुत बुरी तरीके हारेगा। ये नोट कर लीजिए आप, ये आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग अब देख लिए समीकरण अपना, कांग्रेस वालों ने अपना समीकरण देखा कि भाई कोचाधामन में कांग्रेस का पकड़ कम हो गया है, अमर बैसी में पकड़ कम हो गया है, लोगों से मिला नहीं है। तो एक काम करते हैं, जगह जगह मुशायरा करते हैं, कहीं ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम देते हैं, उससे क्या होगा, जनता खुश होगा। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन दारू का भी पार्टी रख दे तो उससे जनता खुश होगा कि दारू पिला देंगे वोट ले लेंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। सीमांचल की जनता जाग चुकी है, सीमांचल की जनता उसी को सपोर्ट करता है, उसी को वोट भी करेगा जो 18 घंटा जनता के बीच में रहेगा, जो फोन को रिसीव करेगा हमारे। और हम किसी को लाइक नहीं करते हैं, ये बात दिमाग में लेके चलिएगा। और इस घमंड में अगर है कांग्रेस के नेता लोग इस घमंड में है कि कांग्रेस का टिकट है और यहाँ के लोग तो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। भाई काम करें ना करें, अब एक नया जादू और निकाल दिया है कि मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, वहां जाएंगे वहां बैठक करेंगे, लगता है उसी दिन काम हो जाएगा। अरे सारा बीज तो बोया हुआ कांग्रेस का है, इतिहास गवाह है कि सारा बीज बोया हुआ कांग्रेस का है। और कांग्रेस अपने आप को शरीफ समझ रहा है। कांग्रेस को तभी वोट होगा जब यहां का कैंडिडेट चेंज होगा। अगर कैंडिडेट चेंज नहीं होता है तो कांग्रेस को वोट नहीं होगा, ये बात दिमाग में डाल लीजिए। मुशायरा क्या डेली 24 घंटा मुशायरा कीजिए आप लोग, मुशायरा सुन के मेरा पेट थोड़ी भर जाएगा भाई। यहाँ की जनता को काम चाहिए, यहाँ की जनता काम से खुश है, लोगों का सुख दुख में आने जाने का उसमें खुशी मिलता है। यहाँ तो ऐसा कैंडिडेट है भाई, अगर किसी से हाथ मिला ले तो 99 बार डिटोल से हाथ धोना पड़ता है। ऐसे कैंडिडेट को हम लोग लाइक नहीं करते हैं दोस्त। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। फिर मैं आखिर में बोल रहा हूं, अगर कांग्रेस वालों ने कैंडिडेट चेंज नहीं किया तो बुरी तरीके हार का सामना करना पड़ेगा, यानी तो टिकट मास्टर मुजाहिद को दे दे, चैलेंज के साथ मास्टर मुजाहिद इलेक्शन निकाल लेगा। अस्सलाम वालेकुम।